साहिल को माइक दूंगा, ये हमारा 11वीं 12वीं स्टूडेंट फाउंडेशन का। अब मैं चाहूंगा कि साहिल अपनी बात रखे, एक मैसेज दे उन सब लोगों को जो आईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एक बार तालियां साहिल की जोरदार वाली। हाँ साहिल बेटा, माइक मुंह के पास रखते हैं, बहुत एक अच्छा सा मैसेज। मेरा नाम साहिल खान है, मैं नागौर के गाँव डीडवाना से हूँ। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा, अगर जैसे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो पहला उनका डर ये रहता है कि हम अपने बच्चे को कैसी जगह भेजें, कहाँ भेजें। तो मैं भी पहले, मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचा। तो जब उन्होंने सीकर आए, वो सीकर उन्होंने देखा, कोचिंग्स वगैरह गए, तो उन्होंने भी जब पाया तो उन्हें यही पाया कि CLC है जहाँ हम विश्वास कर सकते हैं। मैं भी आया, मैंने भी देखा, तो मुझे भी ट्रस्ट करने की एक वजह थी, बॉस की वजह से मैं यहाँ आया। जब बॉस की बातें सुनी, जब बॉस पे मुझे एक ट्रस्टवर्दी लगा कि मैं बॉस पे विश्वास कर सकता हूँ और यहाँ आया हूँ और अपना फ्यूचर उनके हाथ में दे सकता हूँ। जैसे मैं 2 साल यहाँ रहा, मैं 11th में आया, 11th करी, मैंने 12th करी, मैं CLC के हॉस्टल में रहा। तो फिर भी जब मैंने, मेरा रिजल्ट आया IIT एडवांस का, तो मैं 6,500 रैंक आई। मैं 2020 में कोरोना के टाइम पे, फिर मैं, मुझे इतना नहीं लगा कि मेरी ये रैंक बढ़िया है। मैं बॉस के पास आया, मैंने बात करी, मैंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए, मैंने इनसे गाइडलाइन ली, क्योंकि मुझे पता था जो बॉस कहेंगे मुझे वो फॉलो करना चाहिए, उन्हें एक्सपीरियंस है, वो मुझे सही गाइड करेंगे। मैंने बॉस से बात करी, साहिल से करी, तो बॉस ने मुझे ये कहा कि मुझे एक बार दोबारा करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और मुझे बॉस पे पूरा ट्रस्ट था, इसलिए मैंने एक बार दोबारा ट्राई करा और आज मैं फिर 4,387 रैंक पे हूँ। मुझे ये पूरा विश्वास था कि बॉस जो कहेंगे मुझे वही करना चाहिए। मैं आया भी था, बॉस ने मेरे को बिल्कुल सही गाइड करा और मुझे आज ये है कि जो मैंने आज जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया। बिल्कुल, आज एक अच्छा IT अच्छी ब्रांच पे आपको मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल मानना सही कि जहाँ हमारी 5,000 से ज़्यादा रैंक आती है तो वो इतनी मान्य नहीं रहती। हम इतनी बढ़िया IIT, जो हम ड्रीम्स होते हैं, हम जो देखते हैं यहाँ आने के बाद कि हमारी ये ड्रीम्स होंगे, हम कॉलेज देखते हैं, तो वो हम 5,000 से आगे जाने के बाद नहीं अचीव कर पाते हैं, हमारे ड्रीम्स एक तरीके से टूट जाते हैं। इसलिए मैंने करा और आज मुझे लगता है मैंने जो करा वो बिल्कुल सही करा। थैंक यू। लास्ट में जो अपने टेस्ट चले उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कितने सारे टेस्ट सब कुछ हुए हमारे? इस बार जो CLC की टेस्ट सीरीज चली है वो अब तक की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज चली है, बिल्कुल सही। मैं खुद की तरफ से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी खुशी हुई, एकदम पूरे लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा चली और कंटिन्यूस चली। मुझे ये चाहिए था कि लास्ट में एक ऐसी टेस्ट सीरीज चले ताकि मैं पूरा फोकस उन पर कर पाऊँ, मेरी प्रिपरेशन बढ़े, जो मुझे टाइम पेपर में लगता था कि मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है उसे रिड्यूस कर पाऊँ, मेरी माइनर मिस्टेक्स पहचान पाऊँ। मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ उस टेस्ट सीरीज से। हम सब ये सोचते हैं हम किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, CLC की टेस्ट सीरीज मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ, काफ़ी बेटर लगा। लास्ट के पेपर्स में हम सब पढ़ चुके होते हैं, हम सब रिवाइज कर चुके होते हैं, लास्ट में हमें यही चाहिए होता है हम एक टेस्ट सीरीज दें, हमें हमारी मिस्टेक्स पता चले, हम टाइम रिड्यूस कर पाएँ। मुझे उस सब चीज़ें मिली उस चीज़ से। लास्ट में अपने टेस्ट एडवांस के हुए थे जी सर, वहाँ आपका क्या चलता था, परसेंट क्या चलता था टेस्टों में? मैं 40-45%। अब कितने आए आपके एग्ज़ाम में? मेरे 45 इतने, मतलब वही आए हैं। टेस्ट का जो एवोल्यूशन हो परफेक्ट मानते हो आप, मेडिकल का भी परफेक्ट है, IIT एडवांस का मानते हो, जो टेस्ट मार्क्स आए वही मार्क्स आपके यहाँ आए। ओके।